दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज हम स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट डायग्राम पर स्टडी करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से हम एक स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, इसमें केवल बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपको दी जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का सर्किट का अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सारी वीडियो आएंगी हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन पर, जिसकी मदद से आप एक परफेक्ट स्पीकर प्रोटेक्शन को समझ सकेंगे कि एक स्पीकर प्रोटेक्शन में कितने ऑप्शन हमारे होने चाहिए, यानी कितनी सारी प्रोटेक्शन हमें स्पीकर के लिए देखने को मिल सकेंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते ये हैं कि स्पीकर प्रोटेक्शन आखिर होती क्या है। तो दोस्तों स्पीकर प्रोटेक्शन एक ऐसी डिवाइस होती है यानी ऐसा सर्किट होता है जो हमारे स्पीकर को सेफ रखने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर में कोई ट्रांजिस्टर फेल हो गया और जो हमारी डीसी वोल्टेज है दोस्तों डायरेक्टली स्पीकर तक जाने लगेगा, तो दोस्तों इसी डीसी अपसेट यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर फेल हुआ और जो डीसी अपसेट वोल्ट स्पीकर लाइन पर आया है, तो दोस्तों स्पीकर लाइन पर जैसे ही डीसी वोल्ट आता है तो दोस्तों ये सर्किट उसे सेंस कर लेता है और दोस्तों स्पीकर को एम्पलीफायर से कट ऑफ कर देता है, यानी कट कर देता है और हमारा स्पीकर सेफ रह जाता है। और दोस्तों उसी प्रकार इसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, जैसे थर्मल प्रोटेक्शन, कि जैसे ही हमारे जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है वो जितने इसमें डिग्री सेल्सियस का थर्मल स्विच लगा होता है दोस्तों, उसके बाद ही दोस्तों स्पीकर को कट ऑफ कर देगा। यानी मान लीजिए हमारे एम्पलीफायर का टेम्परेचर यदि 85 डिग्री हो गया तो दोस्तों ये स्पीकर को कनेक्ट कट ऑफ कर देगा एम्पलीफायर से, और दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर पे यानी एम्पलीफायर पे कोई भी लोड नहीं रहेगा, तो दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर सेफ रहेंगे और दोस्तों ये विदाउट लोड के कारण ये ठंडे भी हो जाएंगे यानी कूल भी हो जाएंगे। और दोस्तों एक प्रोटेक्शन और होता है स्पीकर प्रोटेक्शन का, दोस्तों जब भी आपने एम्पलीफायर को ऑन किया होगा तो दोस्तों एक पिड़ यानी फटाक सी आवाज़ आती है आपको, फट सी आवाज़ आती है। तो दोस्तों जब आप अपने एम्पलीफायर में स्पीकर प्रोटेक्शन का सर्किट लगा देते हैं तो दोस्तों आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही हम अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो दोस्तों ये स्पीकर हैं जो थोड़ी देर में कनेक्ट होते हैं हमारे एम्पलीफायर से, तो जिस कारण से हमें ये साउंड सुनाई नहीं देती। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो कुछ मिली सेकेंड के लिए हमें वहाँ पर यानी स्पीकर वाली लाइन पर डीसी वोल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों तो जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमारा स्पीकर तो जुड़ा हुआ नहीं रहता है एम्पलीफायर से, और दोस्तों जैसे ये मिली सेकेंड यानी जो हमारे डीसी वोल्टेज हैं एम्पलीफायर से चले जाते हैं, इसके बाद हमारा जो स्पीकर है एम्पलीफायर से कनेक्ट हो जाता है और फिर हम इसमें जो भी सिग्नल फीड करते हैं वो हमारे स्पीकर के रूप में हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों इस सर्किट डायग्राम को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से एक स्पीकर प्रोटेक्शन को डिजाइन किया जाता है। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट डायग्राम देंगे जिसे आप बना सकते हैं। दोस्तों फिलहाल में हम केवल स्टडी करने वाले कि हमारे यहाँ सर्किट यानी जो स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट होता है दोस्तों इसमें कितने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों इस सर्किट डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक रिले का सिंबल लिया है, दोस्तों इसी रिले से हमारे जो स्पीकर है एम्पलीफायर से कट ऑफ होता है यानी जुड़ता है, और इससे ही यही रिले हमारे एम्पलीफायर को से स्पीकर को कट ऑफ कर देती है। तो देखिए दोस्तों ये जो रिले में कितने पॉइंट होते हैं, दोस्तों इसमें टोटल आपको पांच पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों एक होता है हमारा एनसी, दोस्तों एक ऑन का पॉइंट होता है, दोस्तों एक कॉमन होता है, और जैसे ही हम इसकी जो कॉइल होती है दोस्तों इसलिए दोस्तों तो दोस्तों जब भी आप इस इंडक्टर में 12 वोल्ट देते हैं तो दोस्तों ये हमारे रिले ऑन हो जाती है, यानी जो एनसी पॉइंट है दोस्तों ये एनसी पॉइंट से हटकर दोस्तों ये ऑन वाले पॉइंट पर जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये रिले काम करती है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की रिले ली गई है, तो दोस्तों हमारी सप्लाई भी 12 वोल्ट की होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव ही है, दोस्तों हमारा ग्राउंड ये रहा। तो देखिए दोस्तों ये रिले को ऑपरेट करने के लिए यानी इसे ऑपरेट करने के लिए दोस्तों हमें इसमें ग्राउंड और माइनस दोनों सप्लाई देनी होती हैं। तो देखिए दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई तो हमने डायरेक्टली यानी इस रिले के एक पॉइंट से जोड़ दी है, यानी रिले की जो भी कॉइल है इसके एक पॉइंट से जोड़ दी है, लेकिन दोस्तों हमें इस रिले को ऑन ऑफ भी कराना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑन ऑफ के लिए एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर लिया दोस्तों BD139, आप चाहें तो यहाँ पर कोई अदर ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं NPN, जैसे कि TIP41C या फिर आप BC547 या फिर 48 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सर्किट में रिकॉर्डेशन के हिसाब से दोस्तों आप यही ट्रांजिस्टर लगाइएगा। तो देखिए दोस्तों जो इसका जो एमीटर होता है दोस्तों ये ग्राउंड से जुड़ा होता है, यानी हमारे इस ग्राउंड से जुड़ा होता है, और दोस्तों इसका कलेक्टर हमारी रिले की दूसरी कॉइल से जुड़ा होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के कनेक्शन होते हैं इस रिले के साथ, और दोस्तों जैसे ही हम इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज देंगे तो दोस्तों ये हमारे रिले एक्टिव हो जाएगी और दोस्तों ये एनसी से हमारे ऑन पॉइंट पे आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर की बेस पर हमें वोल्टेज लाने के लिए हम यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक PC547 ट्रांजिस्टर लिया है।
तो इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे। और दोस्तों इसका जो एमिटर है बीसी 547 ट्रांजिस्टर का, दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। दोस्तों जैसे ही हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज देंगे तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर जब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा तो दोस्तों यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज जाएंगे, तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर में जाएंगे, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक्टिव होने से ये ग्राउंड यहाँ से होते हुए यानी इस कलेक्टर से आउट होगा, दोस्तों इस रिले में चला जाएगा। तो दोस्तों ये रिले भी एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों ये एक्टिव होने के बाद दोस्तों एनसीसी हमारी ऑन पॉइंट पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये सर्किट काम करेगा, यानी दो ट्रांजिस्टर लिए हैं इस प्रकार से काम करेंगे। लेकिन दोस्तों जब तक इस ट्रांजिस्टर पर यानी इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज जाता है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि इस ट्रांजिस्टर पर कोई भी वोल्टेज नहीं आता है तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर में ऑसिलेशन यानी इस ट्रांजिस्टर को ऑसिलेशन मोड में जाने का थोड़ा खतरा रहता है। यदि ये ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन मोड में चला जाएगा तो दोस्तों ये स्विचिंग कर सकता है, यानी इस रिले को ऑन ऑफ कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर एक ग्राउंड के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे ही हमारी पॉजिटिव यानी ये काम फिर किस प्रकार से करेगा तो दोस्तों ये जैसे ही हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज बंद हो जाती है यानी आना बंद हो जाते हैं तो दोस्तों ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, यानी इस ट्रांजिस्टर का बेस ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमने एक 1K के रेजिस्टेंस के साथ इसे ग्राउंड से जोड़ दिया है। तो दोस्तों जैसे ही हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज देंगे तो दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर एक्टिव होंगे और दोस्तों हमारे रिले को एक्टिव कर देंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज लाना है। तो दोस्तों पॉजिटिव वोल्टेज लाने के लिए यानी यही 12 वोल्ट हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पर लाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 220K की रजिस्ट्रेशन के साथ इसे प्लस सप्लाई से जोड़ दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 200K की रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। यदि 200K की नहीं लगती तो आप यहाँ पर 190K की रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। ये सर्किट आराम से काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लगाई थी इस ट्रांजिस्टर को ऑसिलेशन मोड में जाने से बचाने के लिए, तो दोस्तों उसी प्रकार से हमें यहाँ पर यानी इस ट्रांजिस्टर के बेस पर भी एक रजिस्ट्रेशन लगानी हुई ताकि ये ट्रांजिस्टर भी अपने ऑसिलेशन मोड में ना जाए। पर एक 68K के रजिस्ट्रेशन हमने ग्राउंड के साथ जोड़ दी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इस सर्किट में 12 वोल्ट देंगे तो दोस्तों ये यहाँ से वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आएंगे। और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर की जैसे ही इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज आएंगे तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। दोस्तों हमारा ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा और तुरंत ही दोस्तों इस रिले को भी एक्टिव कर देगा। लेकिन दोस्तों अभी हमें रिकमेंडेशन है कि हमें थोड़ा डिले चाहिए, यानी हम जैसे ही सर्किट में वोल्टेज दें तो दोस्तों थोड़ी देर बाद ही हमारी रिले ऑन होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक डिले के लिए एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे कि जैसे ही हम यहाँ पर पावर सप्लाई देते हैं तो दोस्तों ये थोड़ी देर के लिए कैपेसिटर चार्ज होगा। दोस्तों जैसे ही हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा तो इन दोनों ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेगा और दोस्तों ये रिले हमारी एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक 100 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगाया है। दोस्तों यदि आप इसके माइक्रोफैरड को बढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा डिले देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप इसके माइक्रोफैरड को कमाते हैं यानी कम करते हैं करीब 47 माइक्रोफैरड का, तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा ही मिलीसेकंड के लिए डिले मिलेगा। यदि आप ये 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाते हैं तो दोस्तों करीब आपको 2 सेकंड का डिले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इतना ही डिले काफ़ी होता है इस स्पीकर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि कुछ मिली सेकेंड के लिए हमारे डीसी वोल्टेज आते हैं जब हम अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। तो इतने देर में हमारा जो डीसी वोल्टेज आते हैं तो दोस्तों वो हट जाते हैं और हमारा स्पीकर लाइन पर कोई भी वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिलते। तो इतना काफ़ी है। यदि आप चाहें कि हमें थोड़ा और डिले चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर करीब 220 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो केवल डिले हुआ, हमारा डिले सर्किट हुआ। तो दोस्तों अभी हमें इसमें दो प्रोटेक्शन और ऐड करनी है। एक हमारा थर्मल प्रोटेक्शन होगा और दोस्तों जो हमारे डीसी वोल्टेज आता है, मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हुआ और स्पीकर लाइन पे कोई डीसी वोल्टेज आया तो भी हमारी ये रिले यानी ऑफ होनी चाहिए। तो किस प्रकार से ये रिले हमारी यानी ये स्पीकर प्रोटेक्शन दो प्रोटेक्शन में और देगा, तो आइए दोस्तों सर्किट डायग्राम को के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमें अपने रिले को ऑफ कराना है, यानी जैसे ही हमारे स्पीकर यानी जो हमारे प्रोटेक्शन है दो कि हमारे मान लीजिए हमारे स्पीकर लाइन पर कोई डीसी वोल्टेज आ गया तो दोस्तों हमें इस रिले को ऑफ कराना है। तो देखिए दोस्तों, ऑफ कराने के लिए हमें इस पॉइंट पर ग्राउंड को लाना होगा। जैसे ही इस पॉइंट को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो दोस्तों हमारी तुरंत ही रिले ऑफ हो जाएगी। और दोस्तों यदि हम इस पॉइंट से ग्राउंड को हटा देते हैं तो दोस्तों ये रिले हमारी ऑन हो जाएगी। यानी इस पॉइंट पर यदि हम ग्राउंड लेते आते हैं यानी 0 वोल्ट ले आते हैं तो दोस्तों ये दोनों ही ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे और दोस्तों हमारे रिले को ऑफ कर देंगे। तो हमें कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट करना होगा कि जैसे ही हमारे स्पीकर लाइन पर कोई वोल्टेज डीसी वोल्टेज आती है तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ग्राउंड आ जाए। और दोस्तों जैसे ही हमारा थर्मल स्विच है दोस्तों ये ऑन होती है तो दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड आना चाहिए। जैसे ही हमारी थर्मल स्विच ऑन होती है तो दोस्तों यहाँ पर हमें ग्राउंड देखने को मिलना चाहिए, तो हमारी ये रिले ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है दोस्तों इस पॉइंट पर ग्राउंड लाने के लिए।
तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हम डायरेक्टली इस पॉइंट से जोड़ देंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए लगाना होगा क्योंकि दोस्तों कभी हमारा जो एम्पलीफायर है दोस्तों डबल सप्लाई पर चलता है, तो दोस्तों कभी हमारे माइनस वोल्ट भी आ सकते हैं स्पीकर वाली लाइन पर, तो दोस्तों कभी पॉजिटिव वोल्टेज भी आ सकते हैं हमारी स्पीकर लाइन पर। तो हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होगा जिससे कि हमें यहाँ पर फिक्स वोल्टेज देखने को मिल जाए, यानी पॉजिटिव ही यहाँ पर, यानी इसकी बेस पर हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट करना होगा, दोस्तों हमें हर केस में या हमारा जो स्पीकर लाइन है या माइनस आए या फिर प्लस आए, तो दोस्तों हमें इसकी बेस पर पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक ब्रिज रेक्टिफायर को ड्रॉ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने चार डायकोड लिए हैं, दोस्तों चार डायकोडों की मदद से यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर क्रिएट किया है। दोस्तों ये डायकोड यहाँ पर 41 48 लगाए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर डायकोड की कोडिंग भी लिख दी है जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों इसकी बेस पर हमें पॉजिटिव लाना होता है, यानी बेस पर पॉजिटिव लाना होता है दोस्तों, इस यहाँ पर हमें ग्राउंड लाना होता है, यानी माइनस सप्लाई यहाँ पर होनी चाहिए तभी हमारी रिले ऑफ होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस है इस ब्रिज रेक्टिफायर का, दोस्तों ये पॉजिटिव हुआ। तो दोस्तों ये पॉजिटिव हमारे इसकी बेस से जुड़ जाएगा, दोस्तों यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, तो दोस्तों इसका एमिटर है दोस्तों इस ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस सप्लाई से जुड़ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो इसका एमिटर है दोस्तों इस प्रकार से इसकी माइनस सप्लाई से जुड़ दिया है। दोस्तों अब हमें इसके बेस को इसकी पॉजिटिव, यानी इस ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव भाग से जोड़ना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ इसकी, यानी इस ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव भाग से हमने इसे जोड़ दिया है। ये दो ब्रिज रेक्टिफायर के पॉइंट हैं जहाँ पर अब हमें यहाँ पर सप्लाई जोड़नी है। तो दोस्तों इसी इन दो नौ पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पर हमें ग्राउंड को जोड़ना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी एक पॉइंट पर, यानी इस वाले नीचे वाले पॉइंट पर हमने ग्राउंड जोड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों अब हमें इसकी एक पॉइंट से हमें स्पीकर वाली लाइन को जोड़ना होगा। देखिए दोस्तों ये हमने एक ग्रीन कलर से एक स्पीकर लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर स्पीकर वाली लाइन से वायर लेना होगा, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेशन लगानी होगी, क्योंकि दोस्तों जो हमारी जो स्पीकर वाली लाइन है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होती है, तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेशन का अरेंजमेंट करना होगा। तो यहाँ पर जो स्पीकर वाली लाइन है दोस्तों यहाँ से 47 के रेजिस्टेंस लगाकर दोस्तों इस ब्रिज रेक्टिफायर के पॉइंट से जोड़ दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ब्रिज रेक्टिफायर किस प्रकार से काम करेगा, और दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेगा हमारे स्पीकर पॉइंट पर माइनस, यानी डीसी सप्लाई आने के से पहले। आप कह सकते हैं कि डीसी वोल्टेज आने पर ही किस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर हमारे ट्रांजिस्टर को यानी एक्टिव करेगा। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए हमारे स्पीकर वाली पॉइंट पर यानी स्पीकर वाली लाइन पर हमारे प्लस में, यानी प्लस साइड का कोई ट्रांजिस्टर फेल हो गया, दोस्तों हमारी इस लाइन पर प्लस सप्लाई आ गई। तो दोस्तों ये क्या करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस सप्लाई होगी, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ये प्लस सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, और दोस्तों जो ग्राउंड है हमारा ये माइनस सप्लाई का काम करेगा, दोस्तों माइनस सप्लाई यहाँ आ जाएगी हमारी। तो दोस्तों ये माइनस सप्लाई हमारी इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के एमिटर पर चली जाएगी, और दोस्तों ये पॉजिटिव सप्लाई हमारी ट्रांजिस्टर के बेस पर चली जाएगी, और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों यही माइनस सप्लाई एमिटर से होती हुई इसके कलेक्टर से आउट होगी, दोस्तों यहाँ पर हमें ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, यानी माइनस सप्लाई देखने को मिल जाएगी, दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर को ये ऑफ कर देगा। और यदि बात करें दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ पर हमारी माइनस सप्लाई आ गई, यदि हमारे यहाँ पर माइनस सप्लाई आ जाती है तो दोस्तों ये काम किस प्रकार से करेगा। दोस्तों मान लीजिए माइनस सप्लाई हमारी इस पॉइंट पर है, तो दोस्तों माइनस सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, यानी इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर आ जाएगी, दोस्तों उस केस में हमारा ये ग्राउंड पॉजिटिव का काम करेगा। मान लीजिए माइनस सप्लाई है, तो दोस्तों माइनस तो ये हो गया, दोस्तों ग्राउंड हमारा पॉजिटिव का काम करेगा, दोस्तों पॉजिटिव इस लाइन से, यानी इस लाइन से ट्रांजिस्टर के बेस पर आ जाएगा, और दोस्तों ये माइनस सप्लाई हमारी ट्रांजिस्टर के एमीटर पर आएगी, दोस्तों इसके कलेक्टर से आउट होगी, दोस्तों इस पॉइंट पर आ जाएगी माइनस सप्लाई, दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगी यहाँ पर, और दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होती है, दोस्तों ये रिले भी ऑफ हो जाएगी। तो आई होप कि आपको इस सर्किट अरेंजमेंट भी, यानी इस ब्रिज रेक्टिफायर का अरेंजमेंट भी समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों अब कंडीशन ये होती है कि दोस्तों कभी हमारे इस पॉइंट पर माइनस सप्लाई भी आती है, दोस्तों कभी प्लस सप्लाई आती है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें वैसे मैनेज करने के लिए दोस्तों इसके ग्राउंड टू, यानी इस सप्लाई के ग्राउंड, और दोस्तों इस स्पीकर वाली लाइन पर या इस पॉइंट पर दोस्तों एक कैपेसिटर लगाना होता है, नॉन पोलर कैपेसिटर, क्योंकि दोस्तों यदि यहाँ पर प्लस आती है तो हम एक पोलराइज कैपेसिटर लगा देते हैं यहाँ पर, लेकिन दोस्तों कभी यहाँ पर माइनस भी आ सकते हैं, और दोस्तों कभी प्लस भी, और यदि हम यहाँ पर पोलराइज कैपेसिटर लगाते हैं तो दोस्तों यदि हम प्लस इस साइड करते हैं कैपेसिटर का, तो ठीक है, और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर माइनस सप्लाई आती है तो दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 68 माइक्रोफेड का यहाँ पर नॉन पोलर कैपेसिटर लगाना होता है, तो दोस्तों ये कैपेसिटर मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो दोस्तों यहाँ पर हम दो पोलराइज्ड कैपेसिटर को सीरीज में जोड़कर यहाँ पर लगा देते हैं, तो किस प्रकार से लगेगा आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड का दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है। दोस्तों किस प्रकार से जोड़ा गया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, दोनों कैपेसिटर के माइनस माइनस पॉइंट को कॉमन किया गया है, यानी आपस में जोड़ा गया है। दोस्तों ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोस्तों ये ग्राउंड से भी पॉजिटिव को जोड़ा गया है, दोस्तों ये स्पीकर वाली लाइन से भी पॉजिटिव को जोड़ा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर माइनस आई या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैपेसिटर मैनेज कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम काम करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों थर्मल स्विच की, किस प्रकार से ये थर्मल स्विच पर, यानी थर्मल स्विच जैसे ही ऑन होगी दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर यानी इस रिले को किस प्रकार से ऑफ करेगा। तो आइए दोस्तों थर्मल स्विच का भी एक बार अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों थर्मल स्विच क्या होती है, आपको स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी कि थर्मल स्विच किस प्रकार से होगी। दोस्तों इस थर्मल स्विच को हम अपनी जो ट्रांजिस्टर की मेन आउटपुट स्टेज होती है दोस्तों, उसी की हीट सिंक पर माउंट कर देते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे ट्रांजिस्टरों का टेम्परेचर बढ़ता है, उसी प्रकार से दोस्तों इस ये हमारे टेम्परेचर को सेंस कर लेता है थर्मल स्विच। तो यहाँ पर हमने एक थर्मल स्विच का सिंबल ड्रॉ किया है। दोस्तों ये थर्मल स्विच है हमारी 85 डिग्री पर ही ऑन होनी चाहिए, यानी हमें इस प्रकार की स्विच लेनी होगी जो 85 डिग्री का टेम्परेचर होने पर दोस्तों ये स्विच ऑन होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसी स्विच भी आती हैं दोस्तों जो 85 डिग्री होने पर ये ऑफ हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर ऑन होने वाली स्विच चाहिए। तो दोस्तों इसका जो एक सिरा है इस थर्मल स्विच का दोस्तों, ये हमारे एम्पलीफायर की सप्लाई से डायरेक्टली जुड़ा जाएगा, यानी जो हमारे एम्पलीफायर की प्लस सप्लाई है दोस्तों, ये उससे जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, और दोस्तों यहाँ पर यानी इस पॉइंट पर हमें एक रेजिस्टेंस लगाकर इस पॉइंट से जोड़ना होगा। दोस्तों जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे तो दोस्तों उसी प्रकार से ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, और दोस्तों यहाँ पर हमें माइनस वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 47 के रेजिस्टेंस के जरिए हमने इस पॉइंट से जोड़ दिया है, यानी जहाँ पर हमने स्पीकर वाली लाइन जोड़ी थी दोस्तों, वहीं उसी पॉइंट पर हमने थर्मल स्विच के पॉइंट को भी जोड़ दिया है। तो दोस्तों अब चाहे स्पीकर वाली लाइन से पॉजिटिव आए या फिर थर्मल स्विच से पॉजिटिव आए, तो दोस्तों ये उस दोनों ही केस में ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा, और दोस्तों दोनों ट्रांजिस्टर के ऑफ होती है हमारी रिले तुरंत ही ऑफ हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों अब हमें पता कैसे चलेगा कि दोस्तों हमारी ये थर्मल स्विच के कारण ये हमारी रिले ऑफ हुई है, या फिर जो हमारी स्पीकर लाइन है इस पर डीसी वोल्टेज आ गया इस कारण से ये ऑफ हुई है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक एलईडी लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक थर्मल स्विच के लिए एक एलईडी ले लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि थर्मल स्विच के कारण ये हमारा जो एम्पलीफायर है इसकी रिले ऑफ हुई है, यानी स्पीकर प्रोटेक्शन है दोस्तों ये ऑफ हुई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक एलईडी भी ले लिया है। दोस्तों ये एलईडी है, यहाँ पर मैं एलईडी भी लिख भी देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक 10K की रेजिस्टेंस लगाकर इसके पॉजिटिव पर 10K की लगाई गई रेजिस्टेंस एलईडी के, दोस्तों इसके नेगेटिव पॉइंट को हमने ग्राउंड से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों जैसे ही हमारी थर्मल स्विच ऑन हुई दोस्तों, ये एलईडी ग्लो कर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन है जिस, तो ये थर्मल स्विच के कारण ही हमारे स्पीकर प्रोटेक्शन ऑफ हो गया। तो ये कॉइल है आपको नजर आ रही है। तो दोस्तों आपने एक बात गौर की है, यदि आपने कभी देखा होगा कि दोस्तों जैसे ही किसी भी इंडक्टर में हम पावर सप्लाई देते हैं तो दोस्तों उसे ऑन ऑफ करते हैं, तो दोस्तों उस कॉइल में एक अनसेसरी करंट जनरेट होता है। दोस्तों यदि आप प्रैक्टिकल की बात करें तो दोस्तों आप कोई भी ट्रांसफार्मर ले लीजिएगा, कोई भी हो एसी वोल्टेज का यानी एसी सप्लाई का, तो दोस्तों जब आप उसकी दोनों पॉइंटों पर जो करीब कितना भी वोल्टेज, मिनिमम 3 वोल्ट की बैटरी ले लीजिएगा आप, तो दोस्तों उस पॉइंट में जब आप 3 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई देंगे तो दोस्तों आपको उस 3 वोल्ट का इतना झटका लग सकता है कि आपको लगेगा हाँ इसमें इतना ज़्यादा हाई करंट कहाँ से आया। तो आप इस चीज़ को घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर लेकर उसमें 3 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई देकर, तो दोस्तों जब आप उस पॉइंटों को हाथ से पकड़े हुए उसे ऑन ऑफ करेंगे तो दोस्तों आपको वहां पर झटका लग सकता है। तो दोस्तों उसी प्रकार का करंट इस रिले की कॉइल में भी जनरेट होता है। और दोस्तों यदि यहाँ पर हाई करंट जनरेट होगा तो दोस्तों ये करंट हमारे ट्रांजिस्टर को ख़राब कर सकता है। तो दोस्तों इस करंट को कैंसिल करने के लिए दोस्तों हम इस रिले की दोनों पॉइंटों पर दोस्तों एक डायोड लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो भी करंट जनरेट होता है तो दोस्तों वो आपस में यानी आपस में जॉइंट हो जाता है, और दोस्तों ये इस ट्रांजिस्टर पर यहाँ तक नहीं आ पाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक डायोड का अरेंजमेंट कर दिया। दोस्तों ये 1N4007 डायोड है। दोस्तों इसकी पॉलिटी का भी यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि आप इस डायोड को रिवर्स वाइज लगा देते हैं तो दोस्तों ये रिले ऑन ही नहीं होगी, दोस्तों हमारी जो सप्लाई आपस में शॉर्ट हो जाएगी, और दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट होने पर ये ट्रांजिस्टर तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी का यहाँ पर पॉलिटी का भी ध्यान देना आवश्यक है। दोस्तों ये आप खच्ची दिख रहे हैं इसका ना इस डायोड की, तो दोस्तों ये इसका पॉजिटिव होता है दोस्तों, ये नेगेटिव होता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि आपको डायोड का पॉजिटिव पॉजिटिव की साइड कनेक्ट करना है, दोस्तों नेगेटिव नेगेटिव की साइड कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से जो भी
रिले यानी जो भी इस इंडक्टर में हाई करंट जनरेट होगा दोस्तों, इसे ये कैंसिल कर देगा और दोस्तों हमारे इस ट्रांजिस्टर को सेफ रखेगा। तो आई होप का आपको ये बात समझ में आई होगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे इस रिले के साथ स्पीकर किस प्रकार से कनेक्शन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारी स्पीकर वाली लाइन है दोस्तों, यहाँ से एक वायर लिया जाता है दोस्तों, इस रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर इसे जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। और दोस्तों जो भी आपका यहाँ पर ऑन वाला पॉइंट होगा दोस्तों, ऑन वाला दोस्तों, इस पॉइंट से आपको स्पीकर के लिए आउटपुट देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं स्पीकर लिख देता हूँ, SPK आउटपुट। तो दोस्तों इस पॉइंट से आपको स्पीकर का आउटपुट देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस सर्किट में सप्लाई देंगे तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद ये रिले ऑन होगी। दोस्तों ये रिले NC से जैसे ही ऑन पॉइंट पर आ गई तो दोस्तों आपका स्पीकर एम्पलीफायर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये स्पीकर प्रोटेक्शन काम करती है। तो देखिए दोस्तों, ये स्पीकर प्रोटेक्शन है, इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है। तो दोस्तों आपको किसी किसी स्पीकर प्रोटेक्शन में दो ऑप्शन और देखने को मिल जाती है, यानी दो प्रोटेक्शन और देखने को मिल जाती है। और दोस्तों वो प्रोटेक्शन है ओवरलोड प्रोटेक्शन, और दोस्तों एक होता है स्पीकर शॉर्ट सर्किट, यानी जो हमारी स्पीकर वाली लाइन होती है दोस्तों, यदि वो शॉर्ट सर्किट होती है तो भी हमारी ये रिले ऑफ हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये अर्जमेंट किसी किसी स्पीकर प्रोटेक्शन में ही आपको देखने को मिलता है, यानी OCB का ऑप्शन आपको किसी किसी ही स्पीकर प्रोटेक्शन में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये प्रोटेक्शन स्पीकर प्रोटेक्शन में रखने से पहले दोस्तों हमें ये देखना आवश्यक होता है कि दोस्तों जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों, उसमें VI लिमिटर का ऑप्शन तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों यदि हमारे एम्पलीफायर में VI लिमिटर का ऑप्शन होगा तो दोस्तों हमें स्पीकर प्रोटेक्शन में ये प्रोटेक्शन रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा VI लिमिटर होता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक ही हमारी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड को प्रोटेक्ट कर लेता है दोस्तों, एम्पलीफायर को यानी एम्पलीफायर से सिग्नल को कैंसिल कर देता है, और दोस्तों हमारे जो स्पीकर जो ट्रांजिस्टर हैं वो सेफ रह जाती हैं। और दोस्तों यदि हम ये दो प्रोटेक्शन स्पीकर प्रोटेक्शन में रखते हैं तो दोस्तों हमारा स्पीकर ही सेफ रहता है। लेकिन दोस्तों यदि उस एम्पलीफायर में VI लिमिटर का ऑप्शन होगा तो दोस्तों हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं जो शॉर्ट सर्किट होने पर डेंजर मोड में चले जाते हैं, तो दोस्तों वो ट्रांजिस्टरों को भी सेफ रखता है। तो दोस्तों आप अपने एम्पलीफायर में VI लिमिटर का अरेंजमेंट अच्छा होता है, ना कि स्पीकर प्रोटेक्शन में ये दो ऑप्शन होने चाहिए। तो दोस्तों VI लिमिटर क्या होता है, इस पर बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, तो आप ये जान जाएंगे कि दोस्तों VI लिमिटर किस प्रकार से काम करता है, दोस्तों ये किस प्रकार से हमारे शॉर्ट सर्किट होने पर एम्पलीफायर को के सिग्नल को कैंसिल करता है, और दोस्तों हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं इन पर जो सिग्नल आता है दोस्तों, इसे कैंसिल करता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों इसकी PDF फाइल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। और अदरवाइज बात करें तो दोस्तों आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर भी हम इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों आपने यदि तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हम काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का यही अंत करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।